मॉर्निंग एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल और आपको पीछे से ना वो चिड़ियों की बहुत आवाज़ आ रही होगी बहुत ज़्यादा मतलब एकदम चहकार हो रखी है चिड़ियों की पता नहीं क्यों आज ज़्यादा ही हो रखी है और आज है सिद्धार्थ के स्कूल का फर्स्ट डे इवन उसकी सेवन्थ ग्रेड का फर्स्ट डे आप लोग पूछते हो कि सिद्धार्थ कौन से ग्रेड में सिद्धार्थ सेवन्थ ग्रेड में अब प्रमोट हो गया और आज उसका फर्स्ट डे है स्कूल का तो थोड़ी बहुत तैयारी जो है वो कल करके रख दी थी जैसे कपड़े आयरन शू पॉलिश वगैरह ये सब अभी बस खाना वगैरह बनाऊंगी और मुझे पता नहीं नींद ही नहीं आई आपको मेरे फेस से भी लग रहा होगा रात भी ना बहुत स्ट्रगल करने के बाद शायद साढ़े बारह बजे मुझे नींद आई जबकि हम साढ़े नौ बजे बेड बैठ पर चले गए थे और बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही थी और पूरा रात जैसे वो होता है ना साउंड सेफ नहीं होता है सपने सपने से होता है वैसे कुछ मेरी नींद रही है तो बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं कर रही हूँ बट चलिए फटाफट -पट काम स्टार्ट करते हैं काम तो सारे करना ही होता है तो खाना सोचना नहीं है मुझे सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि कल रात को ही सोच के मैं सोई थी कि आज क्या बनेगा सुबह तो टिफिन एकदम माइंड में मेरे डिसाइडेड है तो बस फटाफट -पट पानी पी लेते हैं फिर तैयारी शुरू करते हैं आज पहला दिन है स्कूल का और काफ़ी दिन बाद बच्चे अब अप्रैल में स्कूल स्टार्ट करते हैं लगभग पूरा फरवरी ही ऑफ रहता है एग्ज़ाम्स वग़ैरह चलते रहते हैं तो सिर्फ एग्ज़ाम के दिन जाना होता है वो भी फ्यू आर्स के लिए पूरा वो जो फुल टाइम स्कूल होता है वो तो चलता नहीं है तो काफ़ी दिन बाद जा रहा था तो इसीलिए मैंने उसकी पसंद का पूरा ख्याल रखा और वही चीज़ उसको दी है जो कि उसको काफ़ी पसंद है तो कल ही मैंने ब्लिंकेट से ना इडली डोसा का बैटर मंगा के रख दिया था क्योंकि उसको बहुत पसंद है इडली डोसा इस टाइप की चीज़ें तो टिफ़िन में भी वो उन चीज़ों को इन्जॉय करता है तो इडली नहीं बना रही हूँ मैं इनसे डोसा बनाने वाली हूँ और किस तरीके से मैं पैक करने वाली हूँ उसका टिफ़िन वो आगे दिखाऊँगी ये एक पैनकेक का मिक्स है तो मैंने ब्लिंकेट से कुछ सामान ऑर्डर किया था तो उसमें ये फ्री आया था आई थिंक सैम्पल के लिए या किसी चीज़ के साथ फ्री होगा आ, कहीं लिखा नहीं था बट ये फ्री आया था तो मैंने सोचा चलो इसका भी उपयोग करते हैं चॉकलेट वाला है तो शायद से दर्द खा ले तो इसको भी मैंने थोड़ा निकाला है सारा नहीं बना रही हूँ हालांकि बहुत स्मॉल क्वान्टिटी है अगर आपके बच्चे इंजॉय करते हैं तब तो आप पूरा ही बना लेना ये तो एक बाउल में मैंने इडली का बैटर निकाल लिया है डोसा का बेसिकली डोसा बनाने वाली हो में और दूसरे में मैंने ये पैनकेक का प्री मिक्स निकाल लिया है के एक प्री मिक्स के पैक पे जो भी इंस्ट्रक्शंस थी उनको फॉलो करके ही मैं ये मिक्स बना रही हूँ हालांकि कोई खास इंस्ट्रक्शन नहीं था बस मेज़रमेंट था कि कितने में आपको कितना मिल्क मिलाना है जस्ट मिल्क मिलाना था बाकी इसमें सब कुछ था ही कुछ भी और एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी तो अच्छे से मिला करके मैंने इसको एक साइड रख दिया है वैसे तो ना मैं चाय सिधार जब स्कूल चला जाता है उसके बाद पीती हूँ या कभी कभी पहले ही पी लेती हूँ लेकिन जब उसका सारा खाना बन जाता है ना तब पीती हूँ टाइम रहता है तो लेकिन आज ना जैसा मैंने बताया नींद पूरी नहीं हुई है तो बस सुबह से बस एक ही मन में हो रहा था कि बस चाय मिल जाए तो ऑब्वियसली खाना अभी बना नहीं है उसका तो बैठ के मेरे पास चाय पीने का समय नहीं है तो चलते फिरते काम करते खाना बनाते हुए मैं चाय की एक एक सिप लेते जा रही हूँ लेकिन इतना नीड मुझे महसूस हो रहा था ना कि मैंने जल्दी से चाय बना ली फिर मैंने यहाँ पे उसके लिए डोसा बनाना स्टार्ट किया है और इसके अंदर मैं पोड़ी पाउडर ऐड कर रही हूँ Uh, मैं आजकल कमेंट्स बहुत देख रही हूँ तीन चीज़ों के लिए एक तो पोड़ी पाउडर के लिए मेरे पास बहुत कमेंट आ रहा है कि आप इसकी रेसिपी बताइए तो वैसे तो ये वाला जो पोड़ी पाउडर है ये बाहर से ख़रीदा हुआ है मेरा तो ये घर पे नहीं बनाया है मैंने लेकिन अगर आपको पोड़ी पाउडर की रेसिपी घर पर चाहिए तो फिर मैं बताइएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में होम uh, वाली मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी दूसरा आजकल बहुत मैसेज मैसेज आ रहे हैं कि टिफ़िन रेसिपीज़ आप शेयर कीजिए पाँच या छः कुछ करके तो देखिए मैं रेगुलर बेसिस पे व्लॉग डालती हूँ अल्टरनेट डे पे ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि पाँच छः मैं एक साथ रेसिपीज़ बना के डाल पाऊँ कोशिश मैं करूँगी लेकिन आ, मैं आपको ये बताती हूँ आपको जैसे टिफिन रेसिपीज़ चाहिए तो आजकल जैसे स्कूल स्टार्ट हो रहा है तो एवरी डे आपको कुछ ना कुछ मैं टिफिन रेसिपी दूँगी ये मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ एवरी डे मतलब एवरी व्लॉग में तो हर अल्टरनेट डे पे आपको टिफ़िन रेसिपी मिलती रहेगी और अगर मैं कोशिश करूँगी अगर वो पाँच छः एक साथ ज्वाइन करके मैं बना पाई तो ज़रूर ट्राई करूँगी और थर्ड क्वेश्चन है इफ़ार के लिए कुछ स्नैक्स वग़ैरह शेयर करने के लिए तो वो भी मैं जल्दी करूँगी वैसे स्नैक्स की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर हैं बट फिर भी मैं ज़रूर आगे शेयर करने की कोशिश करूँगी उसके बाद यहाँ पे सिद्धार्थ के लिए दो मैंने प्लेन डोसा बना दिए हैं जो उसके टिफ़िन में जाएंगे जिसमें जस्ट पोड़ी पाउडर डाला है मैंने ये उसके अभी खाने के लिए बना रही हूँ दिन की नए दिन की शुरुआत हो रही है तो कुछ ऐसा मैं बना रही हूँ जो उसको बहुत पसंद हो तो बच्चों को चीज़ बहुत पसंद आती है तो थोड़ी मैंने चीज़ डाली है पूरा एक स्लाइस भी नहीं डाला है आधा डाला है थोड़ा पनीर डाल दिया है प्रोटीन के लिए और ये वाला डोसा उसको काफ़ी पसंद आता है थोड़ा सा आप जो चिलियन एंड इगानो है वो भी डाल दीजिए मीन वाइल जब तक मैं ये सब कर रही थी सिद्धार्थ नहा हो रेडी होके और पूजा कर ली है उसने uh, दिया उतना नहीं जला पाता है तो वो जब भी पूजा करता है तो धूप जलाता है दिया के लिए फिर उसको थोड़ा असिस्ट करना पड़ता है जा कर के तो वो भी कर देता है बट अपने आप जब बोलो तो धूप ही जला पाता है या जो uh, अगरबत्ती होती है वो ही जला पाता है तो कोई बात नहीं बस पूजा करनी है भगवान का आशीर्वाद लेना है जैसा उससे हो सका उसने कर लिया और अभी उसका डोसा यहाँ पे बन गया है यहाँ पे इसी पैन पे मैं ये छोटे छोटे मिनी पैनकेक्स बना रही हूँ ताकि ये देखने में अट्रैक्टिव लगे और इनको वो खा ले यहाँ पे बीच बीच में मैंने जरा ज़रा सी बटर ऐड कर दी है और पहले मैंने हल्का सा ऑलिव ऑयल डाला था इसमें और बस इसको अच्छी तरीके से आप एक मिनट तक पकाइए एक साइड फिर इनको फ्लिप करके दूसरी साइड भी वन मिनट तक पकाना है और यही इंस्ट्रक्शन पैक पे लिखा हुआ था डोसे के साथ जो अंदर फीलिंग होती है आलू की वो बहुत क्विक वाली मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आप दो तीन मिनट में सुबह बना लोगे अगर बॉइल आलू है और ये थोड़ी सी डिफरेंट लगती है और सिद्ध को ये बहुत पसंद आई वो एकदम दीवाना हो गया इस फीलिंग का कि मम्मा ये तो बहुत ही अच्छी थी तो मैंने जो छोटी वाली राई होती है तेल में वो डाली है करी पत्ता डाला है करी पत्ता मेरे पास सूखा वाला था तो मैंने वो डाला है आपके पास फ्रेश हो तो बहुत अच्छी बात है बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा उससे तो बस सरसों करी पत्ता डाल करके मैंने लगभग वन फोर्थ टी बहुत हल्का सा सांबर का मसाला डाला है इसमें आपको हल्दी लाल मिर्च कुछ भी ऐसा डालने की जरूरत नहीं है सांबर का मसाला दो तीन चुटकी डाल दीजिए फिर आलू डाल दीजिए नमक ऐड कर दिया है मैंने और खटास के लिए थोड़ा सा अमचूर का पाउडर ऐड कर दिया है और बस अच्छे से भून लीजिए इसमें पानी वगैरह भी मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये मुझे डोसे पे चिपकाना तो है नहीं आलू तो ये सूखा सूखा बहुत अच्छा लगेगा और दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखना किसी चटनी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है इसके साथ काफ़ी अच्छे ये आलू और ये डोसा बन तैयार होते हैं तो यहाँ पर सिदार्थ का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है फ्रूट ब्रेक के लिए मैंने थोड़े से ग्रेप्स रखे हैं और ये दो मैंने इस तरीके से पैक कर दिए हैं और ये साइड में ऐसे ही एडजस्ट कर दूंगी सितार तो चला गया स्कूल और एकदम टाइम पे पहुंच गया फर्स्ट डे था तो अच्छे से मतलब बड़ा खुशी खुशी गया और थोड़ा जल्दी ही गया ताकि अपने फ्रेंड्स के साथ वो जगह बना सके हालांकि सिटिंग अरेंजमेंट तो मैं भी करवाएंगी बाद में बट होता है ना बच्चों को कि मेरे को थोड़ा जल्दी जाना है सिद्धार्थ की ना क्लास चेंज हो गई है और लास्ट ईयर भी उसकी क्लास चेंज हो गई थी तो उसके फ्रेंड्स छूट ही जाते हैं और मुझे लगता है हर साल उसकी क्लास चेंज होगी सिद्धार्थ का जो आ, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है ना लैंग्वेज वाला वो फ्रेंच है आ, फ्रेंच है संस्कृत है जर्मन है तो हमने फ्रेंच लिया हुआ है इस वजह से सिद्धार्थ की क्लास चेंज होती है संस्कृत वाले बच्चों की बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है लास्ट टाइम भी चेंज नहीं हुई थी और ये एकदम नए लोगों के बीच में पहुंच गया था सिर्फ तीन चार इसकी प्रीवियस क्लास में से बच्चे आए थे और इस बार भी सिर्फ तीन चार बच्चे हैं जो प्रीवियस और प्रीवियस टू तो प्रीवियस क्लास को मिला के हैं बाकी सब न्यू बच्चे हैं तो एक तरीके से एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत भी होती है क्योंकि जब सिक्स में था ना वो तो मुझे याद है उसको कई महीने लग गए थे फ्रेंड्स अच्छे फ्रेंड्स बनाने में फिर लास्ट लास्ट तक तो बहुत अच्छे से सेटल हो गया अब फिर देखो सेवन्थ में आते ही उसके सारे क्लासमेट चेंज हो गए तो मे बी क्विकली वो इस चीज को अडेप्ट कर जाए और मे बी थोड़ा टाइम लगे एक तरीके से अच्छा भी होता है नए नए फ्रेंड्स बनते हैं आप एक ना कम्फर्ट जोन में बन के नहीं रह जाते हो आ, न्यू लोगों से इंटरेक्ट करना सीखते हो और दूसरा ये भी होता है कि थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत तो होती ही है तो देखते हैं आज रिव्यू पता चलेगा कि किन किन से उनकी दोस्ती हुई है तो चलो अभी मैं थोड़ा सा समेटूंगी। काफ़ी चीज़ें बाहर निकल आती हैं जब आप हाँ कुछ कुक करो तो हल्का सा समेट करके फिर हस्बैंड के खाने की तैयारी शुरू करूंगी। सिद्धार्थ के स्कूल जाते ही फिर मेरी दौड़ भाग शुरू हो जाती है हस्बैंड के टिफ़िन के लिए और हमेशा कभी कभी मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि आप कितना सारा कुछ बना के देते हो कभी कभी ऐसा भी कमेंट आता है कि आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं या फिर पिकनिक पे जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक हेल्दी न्यूट्रिशियस मील हमारी जिम्मेदारी है बना के प्रोवाइड करके देना तो मैं बस वही करती हूँ कई बार चीज़ें देखने में ज़्यादा लगती हैं बट एक अगर आप पूरी आ, पोषण से भरी हुई थाली देखेंगे ना तो उसमें ये सारे एलिमेंट्स होते ही हैं दाल होती है सब्जी होती है दही होता है सैलड होता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं हमेशा ही ऐसा कर पाती हूँ लेकिन मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि एक अच्छा न्यूट्रिशियस फ़ूड मैं अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर पाऊँ और कई बार वो क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा होता है देखने में लगता है अरे इतने सारे टिफ़िन बट वो बढ़ता भी है लोग और शेयर करते हैं खाते हैं तो आज मैंने एकदम प्रॉपर बिहारी थाली बनाने जा रही हूँ जिसमें मसाला दाल रहेगी बहुत अलग तरीके से मैं बना रही हूँ साथ ही ये लाल साग रहेगा जो कि बिहार में बहुत खाया जाता है तो इसकी प्रेप मैंने कर ली है वॉश कर लिया तीन चार पानी से फिर उसको अच्छे से चॉप कर लिया फाइनली फिर चढ़ा दिया मैंने कढ़ाई ये साग की रेसिपी ना बहुत ही मिनिमम इंग्रेडिएंट के साथ में बनती है तो सरसों के तेल में मैंने खूब सारा लहसुन का छौंका दिया है लहसुन और हरी मिर्च हरी मिर्च की जगह आप लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो तो खूब सारा आप इसमें लहसुन और हरी मिर्च का छौंका ज़रूर दीजिएगा जब जो लहसुन है वो हल्का सा कलर चेंज कर ले आप ऐड कर दीजिए ये लाल साग और ये ना चावल के साथ इतना टेस्टी लगता है ना अगर आपने ट्राई नहीं किया ना तो ये वाला साग एक बार ज़रूर ट्राई करना साग वाले जो दुकान या ठेली होती हैं उन पर मोस्टली अवेलेबल होता है और ये खाली चावल के साथ मतलब कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है खाली चावल और साग इतना टेस्टी लगता है ना तो जिन्होंने खाया है वही समझ पाएंगे इसको पर आप समझने के लिए ट्राई कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढक दिया था इसमें कोई हल्दी वल्दी कुछ भी नहीं जाता है तो ऐसे ही मैंने ढक दिया था थोड़ा रिड्यूस हुआ तो मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया और बस ढक के पका लीजिए देखिए कितना कम सा रह गया ये और यहाँ पे आप लहसुन देख सकते हैं कि एकदम लाल लाल से कैसे दिख रहे है ना तो इसमें आप जो भी डालेंगे वो ऐसा ही दिखेगा प्याज व्याज के साथ इसका टेस्ट मुझे उतना अच्छा नहीं लगता तो इसको एज़ इट इज़ बनाइएगा लास्ट में हल्का सा भून दिया है मैंने और बस ये साग डन है यहाँ पे देखिए ये जो तैयारी है ये मैंने दाल तड़के के लिए की हुई है मसाला दाल जो बनाने वाली हूँ तो हल्दी नमक डाल करके अरहर की दाल को जो है मैंने उबाल लिया था तो इस वाले पैन में मैंने सिद्धार्थ के लिए आलू बनाए थे इस कढ़ाई के अंदर एक्चुअली तो इसी में मैं तड़का तैयार करने वाली हूँ छोटी सी कढ़ाई है तो अच्छे से इसमें तड़का भून के तैयार हो जाएगा सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है कुछ लाल सूखी मिर्च डाली है जिनको मैं खूब भूरा कड़क एकदम फ्राई करके दो तीन निकाल लूँगी और थोड़ी इसी में रहने दूँगी कुछ तड़के के लिए काम आएंगी और कुछ आगे मैं किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ वो दिखाऊँगी अभी तो ये तीन मिर्ची मैंने छोटी छोटी निकाल ली है और बाकी दो इसी में रहने दी हैं अब इसके अंदर जाएगा जीरा जीरा जब अच्छे से कलर चेंज कर चुका है तब मैंने इसमें काफ़ी सारा लहसुन महीन कटा हुआ ऐड किया है फिर हम डालेंगे महीन कटा हुआ प्याज ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है इसको हम अच्छे से ब्राउन करके फ्राई कर लेंगे और इन्हीं सब के बीच ना मैंने राइस चढ़ा दिए थे तो ये वाले जो राइस हैं ये हम डी से लेकर आए थे और ये पक्के वाले जो राइस होते हैं वो थे तो इनको ऐसे पसाना पड़ता है मतलब खूब सारे पानी में बॉईल करके पानी हटा देना पड़ता है तभी ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं तो ये मीनवाइल बीच में मैंने चढ़ा दिए थे ये हो भी गए हैं और इनको मैंने स्ट्रेनर में ऐसे छान करके रख दिया है तब तक देखिए जो प्याज़ है वो भी हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए तो अभी हम क्या करेंगे इसके अंदर ये टमाटर एक ऐड करेंगे और ये टमाटर का छिलका उतार करके फिर मैंने इसको फाइनली चॉप किया था उसके बाद नमक ऐड कर देंगे अगर बच्चे आपके ना दाल में टमाटर को देख के आना कानी करते हैं ना तो ये ट्रिक अपना अपनाइएगा आप दाल में ना पता भी नहीं लगता कि टमाटर कहाँ चला गया एकदम घुल जाता है अगर उसका छिलका उतार दो तो उसके बाद डाल दिए मसाले लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दीजिए धनिया का पाउडर ऐड कर दीजिए अच्छे से कर दीजिए सबको मिक्स हल्का सा मैंने हरा धनिया भी इसके अंदर ऐड कर दिया है बस खूब बढ़िया से फ्राई करके इसको दाल के अंदर आप ट्रांसफ़र कर दीजिए और दाल में एक बॉईल लगाना बहुत ज़रूरी है इस तड़के के बाद ताकि दाल जो है ये तड़के का अच्छा सा फ्लेवर जो है अपने अंदर सारा मिला ले दाल तैयार हो गई राइस भी तैयार हो गया और साग भी तैयार हो गया अब मैं बनाने जा रही हूँ हरी चटनी तो धनिया पुदीना लिया है मैंने सेवेंटी परसेंट धनिया थर्टी परसेंट पुदीना नींबू आ, मिर्च ली है लहसुन लिया है तो इसकी हम चटनी बनाएंगे उनको साफ़ करके मैंने साइड में रख लिया है और यहाँ पे मैंने दो टेबलस्पून लिए हैं तिल ये चटनी में नहीं पड़ रहा है एक्चुअली चटनी मुझे इसी सेम जार में पीसनी है ना तो मैंने सोचा पहले जो ड्राई मुझे ग्राइंडिंग करनी है मैं वो कर लेती हूँ तो यहाँ पर जो तिल थे ना ये रोस्टेड तिल हैं अगर आपके पास रोस्ट किए हुए तिल नहीं है तो आप उनको रोस्ट कर लो और वाइट की जगह अगर काले तिल हैं तिल मतलब सेसमे सीड ब्लैक वाले हैं तो ज़्यादा अच्छा है ब्लैक वाले आप अच्छे से रोस्ट करके उनको ग्राइंड कर लो और या फिर ये हैं तो ये ये भी आप यूज़ कर सकते हो तो उनको मैंने ग्राइंड कर लिया और फिर सेम आ, आ, जो हमारा जार है इसके अंदर मैंने धनिया की हरी चटनी जो है वो बना दी है और अभी हम बनाने वाले हैं आलू का पिथिका जो कि एक एसमिस रेसिपी है और इसके अंदर सेसमिस सीड्स का उपयोग किया जाता है बट ब्लैक वाले किए जाते हैं मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने वाइट वाले ही कर लिए हैं सिद्धार्थ के लिए जो आलू बॉईल किए थे उसमें से दो आलू बचे क्योंकि उसको आई थिंक मैंने एक ही आलू का बना के दिया उसके लिए वो सफिशेंट था एक या दो आलू का बना के दिया मुझे याद भी नहीं मैंने कितने बॉयल किए थे और बाकी का मुझे भरता बनाना था यानी पिथिका बनाना था तो उसके लिए यहाँ पे मैं प्रेप कर रही हूँ यहाँ पे ये जो मैंने मिर्ची फ्राई करी थी ना जो मैंने दाल छोंकने से पहले फ्राई कर ली थी तेल में वो मैंने अच्छे से क्रश कर ली हैं दो आलू हैं यहाँ पे इनको अच्छे से क्रश कर लेंगे सेसमे सीड्स का जो पाउडर हमने तैयार किया था वो ले लिया है कच्चा मैंने सरसों का तेल लिया है और नमक लिया है वैसे इस रेसिपी के अंदर कच्चा प्याज भी पड़ता है और धनिया आप चाहो तो डाल सकते हो कच्चा प्याज मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये मुझे टिफ़िन में देना है तो टिफ़िन में थोड़ा सा कच्चा प्याज ना स्मेल करता है अदरवाइज़ आप घर पे फ्रेश बना के खा रहे हो तो प्लीज़ इसमें कच्चा प्याज भी ऐड करना बहुत टेस्टी पिथिका बन के तैयार हुआ था मुझे तो बहुत अच्छा लगा सिद्ध को अच्छा लगा हस्बैंड को अच्छा लगा उनके ऑफिस में भी सबको पसंद आया तो ये आ, मैंने तैयार कर दिया है ऑलमोस्ट उनका सारा खाना बन चुका था फिर मैंने थोड़ी सी अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ली ये थी मोठ दाल जो मैंने रात को सोख करके रखी थी तो आज मेरा प्लान था कि मैं इसका सैलड बना के खाऊँगी तो उसको भी मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिया है और अब जस्ट पैक करना स्टार्ट करेंगे टिफिन और इनके ऑफिस जाने के बाद मिलनी मैं थोड़ी देर का रेस्ट जरूर लेती हूँ आधे घंटे बैठ करके के आराम से क्योंकि आज तो चलो आ, उतना ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आज वॉक पे नहीं गई हूँ लेकिन जब वॉक पे जाती हूँ तो सवा पाँच साढ़े पाँच के उठे हुए लगातार ये साढ़े नौ बजे तक काम करते करते ना वो भी थोड़ा प्रेशर में हम काम करते हैं स्ट्रेस में क्योंकि टाइम पे हर चीज़ पूरी करनी होती है तो थोड़ा सा थकावट हो जाती है तो थोड़ी देर बैठ के पंद्रह बीस मिनट ज़्यादा थकावट हो रही है तो आधा घंटा बैठ के फिर मैं अपना खाना जो है वो खाती हूँ तो यहाँ पे मैं जो सैलेड बता रही थी ना आपसे वो सैलेड की तैयारी मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो मोठ दाल आती है जो कि चने ये मूंग दाल की तरह ही होती है जो साबुत मूंग होती है उसकी तरह ही होती है बट उसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट होता है तो वो मिल जाती है किसी भी किराने शॉप पे आप पूछेंगे तो आपको मिल जाएगी तो जस्ट इन केस अगर आपको मूंग दाल पसंद नहीं आ रही है तो एक बार ये मोठ दाल एक बार ट्राई करके देखना बहुत अच्छा इसका सैलड लगता है और बहुत न्यूट्रिशियस होता है फुल ऑफ प्रोटीन होता है और बहुत फीलिंग भी होता है इसके अंदर मैंने खीरा कट कर लिया है एक छोटा साइज़ का खीरा मैंने पूरा कट कर लिया है और पील करके मैंने एक छोटा साइज़ का बिल्कुल टमाटो था वो भी फाइनली चॉप कर लिया है प्याज कर लिया है और हरा धनिया भी मैंने कट कर लिया है और ये सारी चीज़ें मैं एक बाउल के अंदर डालूंगी दूसरी तरफ जो मोठ दाल हमने उबलने चढ़ाई थी उसमें सिर्फ़ एक सीटी लगानी है आपको ज़्यादा नहीं घलाना नहीं तो एकदम मशी हो जाएगी और आ, मैश होने से बचाने के लिए एक और तरीका है कि चाहे आप मूंग दाल बना रहे हो चाहे मूठ दाल बना रहे हो उसको थोड़ा सा आप ना ड्राई रोस्ट कर लो पहले ड्राई रोस्ट कर लो ठंडा कर लो फिर धो करके आप उसको सोक करने के लिए रख दो तो ये खड़ी खड़ी रहती है क्योंकि मज़ा नहीं आएगा ना जब ये हलवे की तरह हो जाएगी तो बस बाउल के अंदर इसको ऐड कर देंगे धनिए पुदीने की जो हमने चटनी बनाई है इसके अंदर बहुत फ्लेवर है खटास भी है नींबू की तो ये दो ढाई स्पून भर के मैंने इसको भी ऐड कर दिया है अभी हम ऊपर से ना इसमें डालेंगे थोड़ा और प्रोटीन इसको और रिच न्यूट्रिशियस और हेल्दी बनाने के लिए तो हमने ऐड किया पनीर अगर आप एग वगैरह खा रहे हैं तो आप बॉईल एग भी ऐड कर सकते हो इसके ऊपर तोफू भी ऐड कर सकते हो आ, मैंने पनीर अच्छे से इसके ऊपर डाल दिया और डोसा देख के ना चीज़ वाला मेरा मन कर रहा था डोसा खाने का तो मैंने यहाँ पे बहुत छोटा सा अपने लिए डोसा बनाया थोड़े से आलू बचे हुए थे वो मैंने ऊपर से डाले और चीज़ का आधे से कम स्लाइस रखा हुआ था जो आधे से ज़्यादा थोड़ा मैंने सिद्धार्थ को दे दिया उसके डोसे में तो वो मैंने थोड़ा थोड़ा डाल लिया है और बहुत टेस्टी मतलब अपना सैलड एंजॉय करने के बाद जब मैंने उसको खाया ना तो बहुत अच्छा लगा उसके बाद सुबह सुबह मेरी हाउस हेल्प भी आ जाती है और जब वो आती है ना तो उस टाइम में मिलके घर के सारे काम जो मुझे करने होते हैं उसके साथ ही कर लेती हूँ तो आज ये ना सोफ़ा हटा के क्लीनिंग करनी थी आप देख सकते हो पीछे कितना कुछ है कितना भी आप ना सोफ़े के नीचे झुक कर के झाड़ू लगवाओ या कुछ भी हो लेकिन ये जो अंदर की गंदगी होती है ना ये रह ही जाती है आप ऐसा नहीं कि एकदम हंड्रेड परसेंट साफ़ कर पाते हो तो चीज़ों को मूव करके साफ़ करना ही पड़ता है कभी कभी तो सोफ़ा हटाया है पीछे से पूरा अच्छे से क्लिनिंग हुआ बहुत सारा डस्ट बहुत सारा सामान वहाँ से निकला छोटा मोटा तो ये करके आ, हमने फिर से सोफा लगा दिया है और फिर मैंने ड्राइंग रूम की डस्टिंग की है आज बाकी और घर की डस्टिंग नहीं की है तो पूरा काम एक बार में करना इजी नहीं होता है तो थोड़ा थोड़ा करके जितना आप कर पाओ आपको कर लेना चाहिए और मुझे आज बेडशीट भी चेंज करनी थी तो वो भी था टास्क दिमाग में तो फटाफट मैंने डस्टिंग करके उधर निपटाई और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बेड कर रही हूँ चेंज तो बस अब मैं जा रही हूँ नहाने घर का जब सारा साफ़ सफाई का, का काम हो जाता है उसके बाद में एकदम नहा के फ्रेश हो के बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है फिर चाहे आप आराम करो या और काम निपटाओ साफ़ सफाई के जो बेसिक एवरीडे काम हैं वो नहाने से पहले निपट जाने से ही अच्छे रहते हैं तो बस हल्का फुल्का जो मैं एवरीडे तैयार होती हूँ मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है सनस्क्रीन ढेर सारा मैं लगाती हूँ एवरी पिछले आई थिंक चार सालों से चार साढ़े चार सालों से उसके पहले मैं सनस्क्रीन यूज़ नहीं करती थी मुझे ऐसा लगता था बाहर जाओ तभी यूज़ करो और बाहर जाती थी तब भी ऐसी आदत नहीं थी कि हमेशा ही लगा रही हूँ बट पिछले चार साढ़े चार साल से रेगुलर है मैं नहाने के बाद फटाफट सनस्क्रीन ढेर सारा अप्लाई कर लेती हूँ थोड़ा सा काजल और आज कल जैसे समर्स हैं तो हल्का सा कोई भी डीओ या परफ्यूम या फिर पाउडर वगैरह भी मैं डाल लेती हूँ और बस ये आज के दिन के लिए हम रेडी हो गए और ये जो टाइम होता है मेरा अब सिद्धार्थ घर पे रहता है तो फिर बच्चे के साथ बहुत सारी चीज़ें अप डाउन लगा रहता है कुछ बना के देना खेलना बातें करना बहुत कुछ होता है लेकिन जब बच्चा स्कूल जाता है तो ये वाला जो मेरा टाइम होता है ना वो फिर मैं अपने काम के लिए आ, काम के लिए ही यूज़ होता है ये टाइम क्योंकि घर का सारा काम हो चुका है मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है लंच बन चुका है तो लंच की भी कोई टेंशन नहीं है कोशिश मैं यही करती हूँ कि मॉर्निंग टाइम में ना कुछ ऐसी चीज़ें मैं बना लूं कि उसमें से लंच का भी हो जाए या फिर ना भी हो तो सब्ज़ी या दाल हो तो चावल या रोटी कुछ अगर बनाना पड़े तो वो मैं बना लूं थोड़ा बहुत ही बाकी आ, कोशिश यही रहती है ना कि लंच का भी साथ में ही निपट जाए तो आज तो मेरा सारा मेन्यू एकदम अच्छा सेट है तो कोई टेंशन नहीं है आराम से दो से तीन घंटे में बैठ के अपना काम कर सकती हूँ हालांकि आज मुझे वीडियो नहीं डालनी है लेकिन कल की ही वीडियो की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी है एडिटिंग एंड ऑल करना शुरू कर दिया है और भी कई चीज़ें होती हैं जो एडिटिंग से भी हटके होती हैं जो करनी पड़ती हैं वो सब करके काफ़ी सारा टाइम यहाँ स्पेंड किया तसली से बैठ करके के काम किया और फिर मैं निकल गई सिद्धार्थ को स्कूल से पिक करने के लिए टाइम हो गया था उसका कैसा रहा तुम्हारा फर्स्ट डे बढ़िया बढ़िया थक गया। और <laughs> मैं सबको बताई नहीं थी कि सिद्धार्थ को न्यू फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे कुछ बने एक भी दो दो। लो भी अच्छे नहीं बने। बन जाएंगे अभी तो फर्स्ट डे ही था नहीं बनाऊंगा इतने दिनों बाद स्कूल सब तुम्हें भी तो रोस्ट मारेंगे आज इसकी डिमांड है कि अपने हाथ से मुझे खाना खिलाओ तो बस मैं खाना यहाँ पे गर्म कर रही हूँ और अपने हाथ से इसको खिलाऊंगी आज इसको मेरे हाथ से दाल राइस खाने में बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी ना दाल चावल इसको खिलाने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि प्या, आप अच्छी, प्याली, मम्मी। प्याली मम्मी तो प्याली मम्मी इसको खिलाने जा रही है दाल चावल और कल की डिमांड रख दी है इसने टिफिन में क्या चाहिए टिफिन में तो मैंने आपको दिखाया ही था तो ये देखिए ये कुछ थाली ऐसी दिख रही है यमी सेटिस्फ़ैक्शन से भरा हुआ और आत्मा को तृप्त कर देने वाला जो खाना होता है ना वो हमारे घर का वही बेसिक खाना होता है और सारी चटर की चीज़ें तो एक तरफ़ हैं लेकिन जो कहते हैं आत्मा को जो शांति देता है जिसको खा के बस लगता है हाँ ऐसा खाना मिलना चाहिए वो घर का दाल चावल रोटी सब्जी यही सब कुछ होता है तो ये आज का खाना वैसे ही सेटिस्फैक्शन वाला था और ने बड़े खुशी खुशी उसको बहुत पसंद है दाल राइस कि मैं मम्मा खिलाएं तो उसको बहुत अच्छा लगता है तो बस उसको मैंने खाना खिलाया अपने हाथ से और फिर हम लोगों ने किया थोड़ा सा रेस्ट हालांकि ना इसके बाद मैंने एक और रेसिपी शूट किया था लेकिन वो अब इसमें इंक्लूड नहीं करूँगी वो आपको परसों के व्लॉग में मिलेगी थोड़ा और आगे दिन मैंने एक्सटेंड किया था बट ये वीडियो फ़िलहाल यहीं पे एंड कर देते हैं और यही ज़्यादातर रहता है मेरा मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक का रूटीन होपफुली आप लोगों ने इंजॉय किया होगा और आगे ऐसे रूटीन वीडियोज़ अगर और देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और जो भी आपकी डिमांड हो वो आपसे और जो भी आपकी डिमांड हो वो आप स... और इसके अलावा जो भी आपकी डिमांड हो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में बाकी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर बाय बाय